ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ से रिलेटेड सारे वीडियो जो है उसकी लिंक दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सारे के सारे वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। ईपीएफओ का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो ईपीएफओ की पीडीएफ होंगी वो पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगी। क्रैश कोर्स में पीडीएफ भी मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060689 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के और प्लस ईपीएफओ के पेड कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके रखिएगा। देखिए अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है studyforcivil.services है ये, ठीक है। इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पर आप टाइप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस और भी कई सारी पोस्ट वोस्ट होती रहती है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए, ठीक है। टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, और मैं आज की त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी ईपीएफओ प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका सेक्शनल टेस्ट का डिस्कशन करूंगा, जो कि आपका टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आपका सेक्शनल टेस्ट, उसको यहां पर हम डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल मैनर में और पहला क्वेश्चन देखेंगे। और यहां पर जो आपकी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम है, योजना है, जो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट्स फ्रेम किए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें सेंट्रल जो असिस्टेंस दिया जाता है अंडर द अबव इस स्कीम में वो 10,000 इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेडविनर। ब्रेडविनर का मतलब ये जो किसी भी परिवार के लिए जो आय जो है आय का स्रोत होता है मेन, है ना, उसको ब्रेडविनर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी, जैसे हमारे फादर है, अगर वो वहां पर जॉब में है या किसी भी तरीके से अर्निंग कर रहे हैं और हमारा पालन पोषण कर रहे हैं तो वो ब्रेडविनर हो गए ड्यू टू नेचुरल और एक्सीडेंटल कॉज। तो बिल्कुल ठीक बात है, ब्रेडविनर की मृत्यु के मामले में ₹10,000 का यहां पर सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये कि जो डेथ होती थी प्राइमरी ब्रेड विनर की अकर्स वाइल ही और शी इज मोर देन 18 इयर्स एंड लेस देन 60 इयर्स। तो जो 60 इयर्स दिया गया है ये गलत है, ये 18 से लेके 65 की बेल्ट को कवर करता था। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट और इसका आंसर आपका ओनली वन हो गया जो कि ए में दिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है यहां पर एक डेफिनेशन दी गई है सोशल सिक्योरिटी की और बताना है कि ये किसने दिया था ये डेफिनेशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो सोशल सिक्योरिटी है एज करेंटली अंडरस्टूड इज वन ऑफ द डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न एज विच इज इन्फ्लुएंसिंग सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए सोशल सिक्योरिटी की जरूरत भी होती है ना। जैसे हम लोग जॉब वॉब करते हैं तो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी है ना, TADA, आपको PF वगैरह मिलता है, पेंशन वगैरह की व्यवस्था होती है, उसी को जो बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है। इट इज द सिक्योरिटी दैट द स्टेट furnishes against the risk which an individual of small means cannot today stand up to by himself or even on private combination with his fellow countrymen. This definition of social security is given by, तो ये जो है आपके वीवी गिरी जी ने ये definition दिया था, ठीक है ना। वैसे भी सोशल सिक्योरिटी जो है आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ये फैक्चुअल चीज है कि किसने डिफाइन किया था, लेकिन हम इसको अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं अगर किसी भी मेंस में हम अपीयर होते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि जस्ट एंड ह्यूमैन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये किस आर्टिकल में दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो ये अभी अमेंडमेंट भी हुआ था मैटरनिटी जो बेनिफिट एक्ट है, तो ये आर्टिकल 42 है आपका, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि इसके पीछे जो मेन आइडिया था वो क्या था, प्रिवेंट और रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंक्रीज इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो सर्वे है हमारा 2016-17 का, उसने यहां पर यूनिवर्सल जो आपका बेसिस इनकम है
है ना, उसको क्या बोला था कि ये इसमें सभी मौजूदा नगद हस्तांतरण को बदलने का सुझाव दिया था कि भैया आप कैश में ट्रांजेक्शन मत करिए, इसको जो है आप कैसा करिए, कैशलेस बनाइए इस ट्रांजेक्शन को, है ना। तो ये जो है करंट कैश ट्रांसफर्स को जो है रिप्लेस करने की बात की गई थी विथ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बिल्कुल ठीक बात है ये जो दूसरा स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में जो यूएन का जो आपका ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है आपका 1948 में आता है 10 दिसंबर को, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये जो 1948 का था, इसमें कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सोशल सिक्योरिटी के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये आर्टिकल 22 है, ठीक है, ये आर्टिकल 22 है। देखते हैं किस ऑप्शन में, यहां किसी में नहीं दिया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये आर्टिकल 22 है जिसमें सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। 11th नंबर का जो आर्टिकल है वो वुमेन से रिलेटेड, वहां पर भी सोशल सिक्योरिटी का अंश है। लेकिन जो डायरेक्टली अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है, है ना, जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का 1948 का, जो सोशल सिक्योरिटी के राइट्स की गारंटी देता है, तो वो आर्टिकल 22 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो 1952 का आपका कन्वेंशन नंबर 102 है सोशल सिक्योरिटी के मिनिमम स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है? तो इसमें पहला लिखा गया है कि UNDHR जो है आपका, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसमें नहीं है ये। दूसरा ये कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है। तीसरा ILO है, बिल्कुल ठीक बात है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से रिलेटेड है, और इसी में मिनिमम स्टैंडर्ड्स की बात की गई है जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और इसमें जो है 9 ब्रांचेस को जो है सोशल सिक्योरिटी के वहां पर क्या किया गया है, कवर किया गया है। तो ILO है इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें ILO के जो ILO ने यहां पर रेटिफाई किया है, ILO के जो जो आपके कन्वेंशन हैं जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया है, उसको हमको यहां पर रिकॉग्नाइज करना है। तो पहला ये कि जो आपका लिखा गया है श्रमिकों की जो क्षतिपूर्ति है, वर्कमैन्स जो कंपनसेशन है, ठीक है, नंबर 18 है एंड रिवाइज कन्वेंशन नंबर 42 ऑफ 1934। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, जो आपका मतलब उपचार की समानता है, दुर्घटना मुआवजा की बात है, 1925 का कन्वेंशन नंबर 19 है। उसके बाद जो उपचार की समानता है, जो नेक्स्ट लिखा है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर 1 एंड 8 ऑफ 1962। तो तीनों के तीनों ही बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये पैराग्राफ दिया गया है, बताया पूछा जा रहा है कि किस स्कीम से रिलेटेड है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी भारत सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें टारगेटेड पीडीएस टीपीडीएस को लागू किया गया, उसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल के लोग होते हैं, परिवार होते हैं, उनमें से एक करोड़ परिवार को जो गरीब है, बीपीएल में है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको फिर कंसेशनल जो आपका कंसेशन दिया जाता है ना, कंसेशनल जो आपका रेट होता है, रियायती दर, उस पर खाद्यान्न को उपलब्ध कराना, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आपका अंत्योदय अन्न योजना है। क्या है ये? आपका अंत्योदय अन्न योजना है, ठीक है। इसके अलावा जो पीडीएफ है SCS की, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसको रेफर करिएगा आप लोग इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा जो है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, रॉन्ग पूछ रहा है यहां पर स्टेटमेंट। तो पहला लिखा गया है कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, वो आपकी 18 से 50 साल के लोगों के लिए है, 18 से 50 ईयर्स के लोगों के लिए है, बिल्कुल ठीक है, जो आपका पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए जो पात्रता है वो 18 से 70 ईयर्स है, बिल्कुल ठीक है। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष है। प्रधानमंत्री श्रम योगी जनधन जो योजना है आपकी, है ना, जो श्रम योगी मानधन योजना है ये आपकी, है ना, मानधन योजना है, इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे, जो उनकी अर्हताएं हैं, वो आपकी 18 to 40 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो है एलिजिबल एज जो ज्वाइन करने की है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की, 18 to 40 है ये आपकी, ये बिल्कुल ठीक है आपका, है ना। तो ये जो आपके सारे के सारे स्टेटमेंट है यहां पर बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, और यहां पर पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की बात कर रहे हैं ये आपके, ठीक है ना, राज्य के जो आपकी क्षतिपूर्ति वाली जो आपका बीमा की स्कीम होती है, ठीक है। तो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम,
टेलर टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही बात है, सामाजिक आर्थिक संरक्षण है, सुरक्षा है टू वर्कर्स पॉपुलेशन एंड देयर डिपेंडेंट्स कवर्ड अंडर द स्कीम, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि इसको जो है कौन एडमिनिस्टर्ड करता है, अपेक्स कॉर्पोरेट बॉडी कौन सी है, तो ये बोल रहे हैं कि ये आपकी इरडा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये गलत बताया जा रहा है यहां पर, क्योंकि इसको जो आपका एडमिनिस्टर्ड करेगा वो कौन करेगा भैया, जब स्टेट की स्कीम है, ठीक है, तो इसको स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही तो करेगा, और इसका स्टार्ट जो किया गया था वो आपका कानपुर से 1952 फरवरी में किया गया था, ठीक है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए वन ओनली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में वही जो ऊपर क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, आईएलओ का जो कन्वेंशन था 102 उसके अंतर्गत जो 9 पिलर्स हैं वो उसके अंदर क्या क्या जो है वो रखा गया है उसको हमको बताना है। इसमें ये बताना है कि कौन सा उसका हिस्सा नहीं है, है ना, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो 9 दिए गए हैं, तो इसमें जो पहला दिया गया है वो मेडिकल केयर है, बिल्कुल है, सिकनेस बेनिफिट है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, बुढ़ापे का लाभ है ना, ओल्ड एज में बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट इंजुरी बेनिफिट है, पारिवारिक लाभ है ना, मैटरनिटी बेनिफिट है, इनवैलिडिटी बेनिफिट है और सर्वाइवर्स बेनिफिट है। तो 9 के 9 पिलर्स उसमें सम्मिलित है और पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सबके सब है, तो नन लगा दीजिए क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र जब इंडिपेंडेंट हुआ, है ना, जब हमारे देश ने इंडिपेंडेंट जब हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है ना 1947 में, तो उसके बाद जो श्रमिकों के लिए सोशल सिक्योरिटी में सबसे पहला जो कानून बनाया गया वो कौन सा आपका कानून है, ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो पहला लिखा गया है कि इंप्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, ये नहीं है आपका, इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, यही है, 1948 में इसको लाया गया था, जिसको आप बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ठीक है। तो ये पहला जो है मेजर ऐसा लेजिस्लेशन है जिसको इनैक्ट किया गया हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा गया है कंपनसेशन पार्ट ऑफ द रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की बात करें विक्टिम्स की, ऑफ वायलेंस इज गवर्न बाय विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये आपका 357A है, इसके अंतर्गत जो भी विक्टिम्स होते हैं इंक्लूडिंग रेप जो है, इसमें सारे तरीके के वायलेंस को कवर किया जाता है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है इसको, ये आप याद रखिएगा, धारा 357A है ये, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये बताना है कि जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। पहला जो स्टेटमेंट है कि ये जो आपकी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है ये केवल ईपीएफओ के द्वारा चलाई जाती है, पहला जो लिखा गया है इसमें स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है, ईपीएफओ ही चलाता है इसको, ठीक है, सही कोड का ही चयन करना है हमको। दूसरा जो लिखा गया है कि ये केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है, तो बिल्कुल ठीक बात है, यही क्रिटिसिज्म होता है, ये जो है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो बोथ स्टेटमेंट आर राइट, बोथ स्टेटमेंट आर राइट, इसका आंसर आपका सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें बताया गया है कि ये किसका बोला हुआ स्टेटमेंट है, तो किसने कहा है कि द मोस्ट परफेक्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो एक परफेक्ट सिस्टम है वो क्या है, इज दैट विच प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये तीनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, जो मल्टी डायमेंशनल आप बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एक डेवलपमेंट के लिए, इन अ स्पीच टू मार्क द इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री। तो ये किसने बोला था, तो ये वेनेजुएला के इंडिपेंडेंस के संदर्भ में साइमन जो आपके बोलिवर थे, है ना, जो सिमोन बोलिवर लिखा गया है यहां पर सी ऑप्शन में, उन्होंने अपने स्पीच में ऐसा बोला था 1819 में। तो ये जो है इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें स्टेट के लिए बोला गया है कि रिक्वायर्स द स्टेट टू स्ट्राइव टू सिक्योर टू द वर्कर वर्क। इतना सुनकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका वो क्या है, ये डीपीएसपी होगा, राज्य के लिए एक जो है वो मॉरल ड्यूटी के बारे में बताया जा रहा है, अ लिविंग वेज कंडीशन ऑफ वर्क इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, है ना, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 43 है ये आपका, ठीक है, इसी में ये सब जो है वो दिया गया है, आप लोगों को पता भी होगा, श्रमिकों से संदर्भित जो आपके डीपीएसपीज हैं उनको बिल्कुल अलग करके आप जो है उनको देख के जरूर जाइएगा, ईपीएफओ में वो रेगुलर पूछे जाते हैं पॉलिटी में। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि आईएलओ ने जो सोशल सिक्योरिटी की परिभाषा बताई है उसमें जो आकस्मिकता है वो क्या क्या है, है ना, कंटिंजेंसी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या है। तो पहला लिखा है अभाव, है ना,
और बीमारी है, अज्ञानता है, फूहड़पन है और आलस्य है। तो देखिए ये तो आएगा नहीं, आलस्य वगैरह आपका। दूसरा लिखा है सिकनेस है, मैटर्निटी है, इनवैलिडिटी है, ओल्ड एज है और डेथ है। देखिए ऊपर के जो हमने सॉल्यूशन देखे उसमें यही था क्या? अगले में फिर इग्नोरेंस आ गया, ये नहीं है। उसके बाद फिर आपका इनवैलिडिटी है, इसमें वॉन्ट है मतलब अभाव है, डिसीज है और ओल्ड एज है। तो इसमें सिकनेस, मैटर्निटी, इनवैलिडिटी, ओल्ड एज और डेथ है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो रिस्क है उसको आईएलओ ने डिफाइन भी किया है और उसमें बताया है, है ना, इन्हीं का नाम वहां पर लिया गया है, सिकनेस, मैटर्निटी, इनवैलिडिटी, ओल्ड एज और डेथ। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और प्रधानमंत्री जो किसान मानदान योजना है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है हमको। तो पहला लिखा गया है कि इसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना है सोशल सिक्योरिटी फार्मर्स को विथ लेस देन 2 हेक्टेयर इन देयर ओल्ड एज। तो बिल्कुल ठीक बात है, 2 हेक्टेयर से कम वालों को मार्जिनल फार्मर्स की श्रेणी में रखते हैं हम लोग, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये कि इसमें फिक्स्ड पेंशन मिलेगी 3000 इज प्रोवाइडेड टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। लगभग 86-87% हमारे यहाँ जो फार्मर्स है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तीसरा लिखा गया है द फार्मर सिर जो है उनको रिक्वायर्ड होगा कंट्रीब्यूशन कितना 552-2000 पर मंथ टू अ पेंशन फंड, जो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है। तो देखिए ये जो है आपका ये 550 नहीं है, इसमें 55 से लेके 200 है, 10 दोनों में ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है और यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। लास्ट वन जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत शुरुआत की गई होगी, तो बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर है ये आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनरली इंडिया में सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कवर करती है ना, विद द फॉलोइंग, मतलब उसके रेफरेंस बोल रहा है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस। तो कौन कौन से ऐसे इंश्योरेंस है जिनको कवर किया जाता है? तो पेंशन है, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल बेनिफिट है, डिसेबिलिटी बेनिफिट है और जो आपका दिव्यांगता वगैरह से रिलेटेड है, और मैटर्निटी बेनिफिट है और ग्रेजुटी है इसमें लिखा गया। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, सारे के सारे होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, और इसमें जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ट्रू पूछा गया है। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन था उसको आप लोगों ने ध्यान दिया कि इसमें जो है ये पूछा जा रहा था कि कौन कौन सी जो सामाजिक सुरक्षा योजना है उनको हमारे यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो सारी की सारी जो यहाँ पर डायमेंशंस लिखे गए हैं उनसे अलाइन जो भी स्कीम्स है वो प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर आपको क्या मिलता है, सोशल इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है ना, पेंशन में भी, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा लाभ, विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ और उपहार। और पूछा क्या है कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं, तो सारे के सारे करेक्ट है इसलिए नन लगाया है हमने, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा ट्रू है यहां पर स्टेटमेंट। यहां पर जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि पीएफआरडीए जो है, जो एनपीएस हमारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, उसके क्रमिक विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने, सुनिश्चित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित जो आपका स्टैचुरी जो है आपकी अथॉरिटी है ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि वित्त मंत्रालय के तहत, वित्तीय सेवा विभाग के तहत काम करता है, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि ये कभी भी इसने एडमिनिस्टर्ड नहीं किया है अटल पेंशन योजना को, तो तीसरा गलत है। बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 ओनली ए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कर्मचारी पेंशन योजना के तहत जो आपकी मिनिमम पेंशन है उसके बारे में यहां पर बताना है। तो जो ये मिनिमम पेंशन है आपकी, इसमें 1000 रुपीज का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, 1000 रुपीज का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि जो सोशल सिक्योरिटी है उसका बेनिफिट जो है मुख्य रूप से प्राप्त करने के लिए भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत प्रदान किया जाता है, मतलब जो प्राइमरी प्रोवाइडेड किया जाता है, प्राइमरली जो प्रोवाइड किया जाता है ये आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। ये देखिए फाइनेंस से होगा नहीं, सोशल जस्टिस से भी नहीं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी नहीं है, श्रम और रोजगार मंत्रालय इस चीज को देखता है, ठीक है, क्योंकि श्रमिकों की ही समस्या है वो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा ट्रू है और किसके बारे में, जो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है उसके अंतर्गत जो इंसेंटिव दिया जाता है एम्प्लॉयर्स को विकलांगता के साथ व्यक्तियों को नियमित रोजगार प्रदान करने के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर में जो नियोक्ता होते हैं उनके लिए जो प्रोत्साहन के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उसके संदर्भ में यहां पर कथन दिए गए, बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है ना, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के संदर्भ में। तो पहला लिखा गया कि इसमें मिनिमम जो वेज लिमिट है फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन फॉर अवेलिंग एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बेनिफिट 5000,
जो पहला लिखा गया है यहां पर, ठीक है। और जो दूसरा लिखा गया है आपका यहां पर, उसमें लिखा गया है कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टू ईयर्स, है ना, जो दूसरा लिखा गया। तो देखिए यहां पर जो है एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पे करती है वो 3 ईयर्स का प्रावधान है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और जो पहला आपका स्टेटमेंट लिखा गया है इसमें जो बेनिफिट लिखा गया है मिनिमम वेज लिमिट जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, जो ईएसआईसी से बेनिफिट प्राप्त होगा वो 5000 नहीं है 25000 का वहां पर प्रोविजन किया गया है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है और सही बताना था तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें भी एक डेफिनेशन बताई गई है और पूछा जा रहा है कि किसने ये आपकी डेफिनेशन दी थी, बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल पार्ट है आपका ये। तो इसमें लिखा गया है कि सोशल सिक्योरिटी इनविसेज्स दैट द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी शैल बी प्रोटेक्टेड बाय कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट सोशल रिस्क कॉजिंग अनड्यू हार्डशिप एंड जो आपका प्रिवेंशन है टू इंडिविजुअल्स वैयक्तिक संदर्भ में देख रहे हैं whose primary source can seldom be adequate to meet them। ये जो कंसेप्ट है सोशल सिक्योरिटी का वो बेस्ड है किसमें, आइडियल्स में, आदर्शों में, किसके, ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस के। ये जो कंसेप्ट है आपका लाई करता है ये आइडिया बिहाइंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इज दैट अ सिटीजन हु हैज कंट्रीब्यूटेड और इज लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू हिज कंट्रीज वेलफेयर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो किसी न किसी मानव संसाधन, है ना, ये जो आप लोग सुनते हैं मानव पूंजी, सामाजिक पूंजी, राष्ट्रीय पूंजी का निर्माण, तो वो श्रमिकों के द्वारा हो रहा है तो उनकी सोशल सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है ना, शुड बी गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन हजार्ड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो इतना योगदान देते हैं तो उनको किसी तरीके की सुरक्षा प्रदान करना वहां पर जरूरी है, उस तरीके से सोशल सिक्योरिटी को यहां पर डिफाइन किया है। तो किसने किया है ये डिफाइन आपका, तो ये किया है आपका जो राष्ट्रीय श्रम आयोग है, ठीक है ना, जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर है उसने जो है आपका ये डेफिनेशन दिया था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजनाएं हैं उनके संदर्भ में हमको यहां पर विचार करना है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो जो पहला लिखा गया है कि द स्कीम्स अंडर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड टू बिजनेस विद एटलीस्ट 100 एम्प्लॉइज, बिल्कुल गलत लिखा गया है। 20 कर्मचारी जहां पर कार्यरत होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल होता है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि कंट्रीब्यूशन जो होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम का आर ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर एम्प्लॉयर, तो ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयर बस के लिए नहीं होता है। आप लोग देखते भी हैं गवर्नमेंट वहां पर जो है किसी तरीके का जो है कि हर जो नियोक्ता हो उसको प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव देता है, तो खुद वो भी जो है कुछ ना कुछ रूप से वहां पर क्या देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका गलत है, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि सिर्फ जो एम्प्लॉयर होता है उसको है, तो एम्प्लॉयी और एम्प्लॉय नियोक्ता और जो कर्मचारी है दोनों के लिए वो प्रावधान होता है कि दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बोथ जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है आपके और पूछ रहा है सही कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव, कोई भी सही नहीं है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सबसे पहला एक्ट है आपका एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, उसकी जो सेक्शन 46 है उसके अंतर्गत जो मैटरनिटी बेनिफिट है उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है हमारा स्टेटमेंट। तो पहला लिखा गया है कि इसमें जो मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है फॉर कन्फाइनमेंट प्रेगनेंसी इज पेबल फॉर 26 वीक्स, तो 26 हफ्तों की बात की गई है वहां पर, बिल्कुल ठीक बात है। पूर्ववर्ती जो दो योगदानों की अवधि थी वो 70 दिन की थी, ठीक है ना, और उसमें जो है अगर कोई डॉक्टर सलाह दे देता है तो उसके उसको फिर 1 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। दूसरा ये कि किसी भी मामले में गैर विस्तार योग्य है, तो यहां पर जब डॉक्टर किसी स्पेशल कंडीशन में रिकमेंड करता है तो 1 महीने के लिए इसको बढ़ाया जाता है, इसलिए ये विस्तार योग्य है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट और इसका आंसर आपका ओनली वन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो आपकी 1976 की है। तो पहला लिखा गया है इसमें, सही को चुनना है हमको यहां पर, जो राइट स्टेटमेंट उनको पिक करना है। पहला ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑनली बाय जो आपके क्या है एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। और जो दूसरा है इसमें कि बेनिफिट प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डेथ of an employee who was a member of the scheme at the time of death, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये benefit amount जो है 10 times of wages, है ना, तो ये गलत है। इसमें जो मृत्यु के समय जो लाभ राशि है वो मजदूरी का 20 टाइम्स है, कितना है 20 टाइम्स है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है और लास्ट वन ये है कि मैक्सिमम बेनिफिट इसमें 8 लाख है,
मतलब 8 लाख का बेल्ट बनाया गया है, नहीं ये 6 लाख की बेल्ट है, मैक्सिमम जो है इसमें 6 लाख रुपए मिल सकता है। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसका आंसर आपका 1 और 2 सी में दिया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट बताए गए हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में, और बताना है कि कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो लिखा गया है इसमें कि इसका ऑब्जेक्टिव है क्रिएट करना यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पूरे सारे इंडियंस के लिए, स्पेशली फॉर द पुअर्स और जो आपके वंचित ग्रुप के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, एंड द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दूसरा ये कि एडमिनिस्टर्ड किया जाता है इसको PFRDA के थ्रू, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ज्वाइन, बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम गारंटीड पेंशन की जो रेंज है 1000 से लेके 5000, 60 ईयर्स ऑफ एज तक इसमें जो है कंट्रीब्यूशन भी किया जाता है, उसके बाद जो है 60 ईयर्स की एज के बाद जो है पेंशन मिलती है, तो बिल्कुल ठीक है। ये अटल पेंशन योजना के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, जो हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें जो एलिजिबिलिटी है 18 से 40 ईयर्स की है, ठीक है ना, जो वहां पर कंट्रीब्यूट करना होता है। उसके बाद 60 वर्ष की जब आयु वो प्राप्त कर लेते हैं व्यक्ति, तो उनको 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की मिनिमम गारंटीड जो है पेंशन मिलती है अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो ये जो है चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो अलाइन है आपके, वो किससे रिलेटेड है, अटल पेंशन योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये EPFO का जो विजन 2030 है उसके बारे में यहां पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है कोड यहां पर। तो जो पहला यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है उसमें लिखा गया है कि यूनिवर्सल जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है उसका मैंडेटरी बेसिस है बाय वे ऑफ जो आपका प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है और लाइफ इंश्योरेंस है फॉर ऑल वर्कर्स ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि EPFO के लिए ऑनलाइन सेवाएं जो आपके अत्याधुनिक जो भी टेक्नोलॉजी है ना, जो आपकी प्रासंगिक जो है आपकी टेक्नोलॉजी है उसके साथ वो उसको बेनिफिट को प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि सामाजिक सुरक्षा के पर्याप्त समर्थन स्तर के साथ एक लाभ संरचना के लिए नीतियों का कार्यान्वयन, तो ये भी ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर अ बेनिफिट स्ट्रक्चर विद एडिक्वेट सपोर्ट लेवल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, तो ऑल ऑफ द अबव है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जो डी में दिया गया है 1, 2, 3 ऑल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो मिनिमम वेजेस एक्ट है आपका, ठीक है, 1948 का, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। पहला ये कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम वेजेस ऑफ जो आपका वर्कर्स एक्ट है ना, मिनिमम वेजेस जो आपका है वर्कर्स का। तो ये जो पहला लिखा गया है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी इसके तहत जो है वो कार्यवाही कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है कि ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम वेजेस ऑफ द वर्कर्स, तो ऐसा नहीं है, दोनों सरकारें कर सकती, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। तीसरा जो है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम वेजेस ऑफ द वर्कर्स, बिल्कुल ठीक है। ओनली थर्ड, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें जो है आपका पब्लिक जो प्रोविडेंट फंड है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है इसमें स्टेटमेंट। तो जो पहला लिखा गया है कि ये जो है आपका सेविंग कम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो यहां पर जो है इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वन है इट इज इंट्रोड्यूस्ड, है ना, वो इससे लिंक्ड होते हैं, इसका मतलब कि इट इज, जो दूसरा स्टेटमेंट है इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है 1968 में। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है ना, 1968 में ही वित्त मंत्रालय का जो राष्ट्रीय बचत संस्थान है उसके द्वारा इसको पेश किया गया था, ठीक है ना, इससे जो है टैक्स सेविंग भी हो जाती है, ठीक है। और ये इस योजना का जो उद्देश्य था वो हाई रिटर्न के साथ जो है ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट था, उसके द्वारा जो है छोटी छोटी बचत को बड़ा मतलब बचा के उसको बड़ा जो है बचत के रूप में कन्वर्ट करना था, ठीक है, इनकम टैक्स लाभ भी देना इसमें। और इस योजना में पूरी तरीके से जो है वो आपका गारंटीड है, ये किसके द्वारा, सेंट्रल के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्लैश इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड फॉर द क्वार्टर हैव बीन ब्रॉट डाउन बाय 80 BPS, है ना, जो आपका बेसिस पॉइंट्स बोला जाता है इसको, तो 7.1 हो गया है वो आपका, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट भी इसको अभी घटाया गया है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, D 1, 2, 3, ये करंट अफेयर्स में था, इसको देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि सोशल जो सिक्योरिटी है एज अ सिचुएशन ऑफ कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ह्यूमन डैमेज, बोला जा रहा है इसको, और बोला जा रहा है कि ये किसने बोला था, बिल्कुल कंटेक्चुअल है स्टेटमेंट, ये आपके जो बर्गमैन थे उन्होंने बोला था ऐसा, ठीक है, तो इसको देख जाइएगा, ये उन्हीं के द्वारा दी गई एक परिभाषा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे कि जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है 1948 का, उसमें किस तरीके की स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं को समाहित किया गया है,
है ना, जो आमतौर पर जो है लेबर्स के सामने आती है वो उसको फेस करते हैं। तो इसमें से हमको चूज करना है कि किस किस चीज को यहां पर जो है रखा गया है। तो पहला लिखा गया है बीमारी सिकनेस, दूसरा मैटर्निटी, तीसरा टेम्प्रेरी और परमानेंट जो डिसेबलमेंट है ना, डिसेबल्ड हो जाए अगर वो परमानेंट या टेम्प्रेरी, या ऑक्यूपेशनल डिसीज है या डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजुरी। तो तीनों की तीनों चीजें उसमें समाहित की गई हैं। तो 1, 2, 3 जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। और इसके बाद जो है 1, 2, 3 ऑल है, ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है आपका क्या बताया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो 1948 है उसका जो सेक्शन धारा जो 46 है उसके अंतर्गत जो मेडिकल बेनिफिट है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा ट्रू है हमारे लिए, यहां पर उसको पिक करना है। तो पहला लिखा गया है कि जो देयर इज नो सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन और हिज फैमिली मेंबर। देखिए यहां पर ऐसा बोला जा रहा है पहले स्टेटमेंट में, ठीक है ना। तो देखिए ये कैसे हो सकता है कि उसमें कोई खर्च की सीमा ही ना हो, है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो क्या है, वो यहां पर क्या है, गलत बताया गया है। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये जो पंक्चुएशन है यही इसकी इस स्कीम की खासियत है कि इसमें क्या है कि जो मेडिकल बेनिफिट दिया गया है इसमें फुल मेडिकल केयर है जो प्रोवाइड किया जाता है किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को जिस दिन से वो इस स्कीम के अंतर्गत इंश्योर हो जाते हैं, है ना, इंश्योर्ड करा लेते हैं अपने आप को, है ना। तो वो इसमें कोई भी अपर सीलिंग नहीं है, चाहे कितना भी खर्च हो जाए उनके लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये जो 1948 में जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसकी जो सेक्शन 46 है उसमें फुल मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाता है इंश्योर्ड पर्सन को और उसकी फैमिली मेंबर्स को भी जिस डे से वो एंटर करते हैं इस इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है ना। और वहां पर कोई भी अपर सीलिंग नहीं है एक्सपेंडिचर में उनके ट्रीटमेंट में उस व्यक्ति के या उनके फैमिली मेंबर के, ठीक है ना। और इसमें जो मेडिकल केयर दिया जाता है वो रिटायर्ड और परमानेंटली डिसेबल्ड इंश्योरेंस पर्सन को भी दिया जाता है और उनके स्पाउस को भी दिया जाता है ऑन पेमेंट ऑफ अ टोकन एनुअल प्रीमियम जो है इसमें वो 120 का है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये कि इसमें जो सेवानिवृत्त स्थायी रूप से जो अक्षम बीमित व्यक्ति हैं उनके जो स्पाउस वगैरह भी होते हैं उनको 12 रुपए के टोकन जो है ईयरली प्रीमियम के भुगतान पे ऐसी देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये 12 नहीं है, 120 है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ओनली वन इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 34 का वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। इसमें जो आपका एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है 1923 का उसके बारे में स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, ठीक है ना, ट्रू बता रहा है, बताना है यहां पर। तो पहला जो है इट वॉज फॉर्मली, जो फॉर्मली बोल रहे हैं कि पहले इसका नाम जो था वो वर्कमैन्स कंपनसेशन क्या था, एक्ट था 1923 में, ठीक है ना। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, यहां पर जो बताया जा रहा है पहला स्टेटमेंट वो जो है आपका स्टेटमेंट वो क्या है, सही है कि इसको जो है आपका पहले कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 के नाम से जाना जाता था, है ना। जो कर्मकार या कर्मचारी है वो आपका वर्कमेंस है वो आपका, ठीक है ना। हिंदी में ट्रांसलेशन में लिखा गया है कि जो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है इसको पहले वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, ये आपका देखिए ये कोलोनियल एक तरीके से टर्मिनोलॉजी है, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें रिक्वायर होता था एम्प्लॉयर्स को पे करना कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को देना और देयर फैमिली इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंजुरीज दैट रिजल्ट इन डेथ और डिसेबिलिटी, ठीक है ना। तो ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया है, उसके बाद आईएलओ फॉर्म हो गया है, तो अब इस तरीके के जो है वो जो भी मतलब जो श्रमिक हैं जो रोजगार जिनमें रत हैं उनके जो सोशल सिक्योरिटी के लिए एक पूरे वर्ल्ड लेवल में जो है इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया जाता है, आप लोग देखेंगे 1920 के दशक से ही। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका यहां पर दिया गया ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है इसमें कि गलत कौन सा है। तो कोई भी गलत नहीं है और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो संपूर्ण रोजगार योजना है उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है यहां पर। तो जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या प्रोवाइड करना, स्किल्ड और लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड देयर बाय इंप्रूव स्किल्स लेवल इन ऑल रूरल एंड अर्बन एरियाज, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये जो योजना है इसमें सभी ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों को जो है वहां पर रखा गया है, ठीक है ना, उनके लिए रखा गया है, हु आर इन नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू डू मैनुअल एंड स्किल्ड, दोनों की बात की गई, मैनुअल और स्किल्ड वर्क इन एंड अराउंड हिज लोकैलिटी विलेज और हैबिटेट, तो बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका उसमें लिखा गया है कि बेनिफिशरीज जो है
वो प्राप्त करेंगे फिक्स्ड बेस्ड पेमेंट्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के आधार पर उनको मजदूरी और प्रोत्साहन मिलता रहेगा रेगुलर रूप से। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है वो किससे रिलेटेड है। तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, उसी से रिलेटेड है, तो ये डी में दिया गया है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि जो सोशल सिक्योरिटी है जो वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये प्रोवाइड किया जाता है थ्रू सेंट्रल एक्ट्स। तो कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जहां से उनको जो है सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, उसके बारे में यहां पर लिखा गया है। तो देखिए यहां पर पहला क्या लिखा गया है और इसमें लिखा गया, पूछा गया जा रहा है कि विच ऑफ द अबव एक्ट्स आर नॉट सेंट्रल एक्ट्स, कि कौन से इसमें से सेंट्रल एक्ट्स नहीं है। तो पहला ये कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इसमें से दिया जाता है। दूसरा ये कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ठीक है ना, जो दूसरा लिखा गया है इसमें, ठीक है। और तीसरा क्या लिखा गया है इसमें, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, और उसके बाद लिखा गया है 1923 का एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है कि जो पूछा जा रहा है इसमें क्या है कि सारे के सारे जो है आपके सेंट्रल से रिलेटेड एक्ट है, लेकिन इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा केंद्रीय कार्य नहीं है, सेंट्रल का कार्य नहीं है। तो इसमें तो नियम और कानून बनाना इस तरीके का तो वो सेंट्रल ही बनाता है ना। तो सेंस ऑफ ह्यूमर से भी आप देख सकते हैं कि इसमें सारा का सारा जो है जो प्रावधान दिए गए हैं सारे के सारे ये सामाजिक सुरक्षा जो है प्रदान करते हैं संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सेंट्रल के एक्ट्स के द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है सारे के सारे उसमें उसके अंतर्गत आते हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका कोई नहीं हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो है सेंट्रल एक्ट के नाम आप देखेंगे तो यही है आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है, सबके नाम दे दिए गए हैं, इनको ध्यान से देख जाइएगा आप लोग, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है, तो ये सब सेंट्रल के एक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो नन हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे सेंट्रल से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिकनेस बेनिफिट अंडर सेक्शन 46 ऑफ द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है 1948। इसमें यह बताना है कि कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। तो पहला ये इसमें लिखा गया है जो कि सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश कंपनसेशन एट द रेट ऑफ 70% ऑफ वेजेस इज पेएबल टू इंश्योर्ड वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्टिफाइड सिकनेस फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 91 डेज इन अ ईयर। बिल्कुल ठीक बात है, 91 दिन के लिए दिया जाता है 70% की दर से नगद मुआवजा, है ना, अगर वो बीमारी बीमारी की अवधि में है और अगर वो मतलब ऑथराइज हो जाता है कि भैया यहाँ पर मेडिकल लगा दिया तो उनको मिल जाएगा मुआवजा। दूसरा ये, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सिकनेस बेनिफिट द इंश्योर्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर 78 डेज, यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन है इन अ कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 months, है ना। तो ये भी प्रावधान किया गया है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ग्रेजुटी है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है यहां पर वो ट्रू है। तो पहला ये कि एन इंडिविजुअल इज एलिजिबल टू रिसीव द ग्रेजुटी वंस ही शी हैज कंप्लीटेड 6 years ऑफ सर्विस विथ जो भी एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उसके साथ अगर वो 6 साल की अपनी सेवा पूरी कर लेते हैं तो वो पात्र होते हैं, जो पहला लिखा गया है यहां पर। तो ये गलत है, 6 साल का यहां पर प्रावधान नहीं है, इसमें जो प्रावधान किया गया है वो 5 साल का है। अगर 5 ईयर्स जो है 5 ईयर्स की बैंड बनाया गया है वहां पर, है ना, एक जो है वहां पर 5 सालों का सीमांकन किया गया कि 5 साल अगर कोई भी सेवा देंगे तो उनको ग्रेजुटी प्राप्त करने का अधिकार है, तो 5 साल है यहां पर। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि ग्रेजुटी की जो कैलकुलेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड ईयर्स ऑफ सर्विस, तो बिल्कुल ठीक बात है, जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो ट्रू है और पहला स्टेटमेंट बस गलत है, तो ओनली 2 सही बताना था, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो सामाजिक सुरक्षा है इज दैट एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ रिसोर्सेस, ये किसने बोला है ये बताना है हमको। तो ये जो है आपका एक तरीके से क्या है, ये भी आपका बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये सिनफील्ड ने बोला है। सिनफील्ड ने डिस्क्राइब भी किया है कि सोशल सिक्योरिटी जो है वो सिचुएशनल, जो आपकी सिचुएशनल बेस्ड जो आपकी सोशल सिक्योरिटी उसके बारे में बोलते हैं कि एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो ये सिनफील्ड ने बोला है, ये याद रखिएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जो आपका निशुल्क कानूनी सेवाओं के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है वो बताना है हमको।
तो पहला ये कि फ्री लीगल सर्विस इन जो लिखा गया है कि ये किसको दिया जाता है, ये प्रोविजन जो है ऑफ फ्री लीगल एड इन सिविल मैटर्स ओनली। यहां पर क्या लिखा, सिविल मैटर्स ओनली, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये आपका सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों के लिए है, ठीक है ना। नालसा वगैरह का गठन आप देखते होंगे, ये भी डीपीएसपी में दिया गया, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा ये कि ये प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो उचित वकील नहीं खोज सकता, तो ऐसा नहीं है, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, ऐसा नहीं कि अब लिखा है कि वकील नहीं खोज पा रहा, तो भाई वकील नहीं खोज पा रहा तो अपने हिसाब से नहीं खोज पा रहा, ऐसा नहीं है वहां पर, ठीक है। तो दूसरा भी जो मार्जिनाई, जो आपके मार्जिनल है ना, जो आपके सीमांत, सीमा के अंत में बैठे हुए लोग हैं, जो न्याय को जो है अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यायिक समावेशन, जुडिशियल इंक्लूजन है आपका ये, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है कि जो आपका प्रत्येक व्यक्ति को नहीं है, ये आपके अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही पूछा था तो नन हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के विचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, व्यापारी मंधन जो आपका योजना है। देखिए, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानदान जो योजना है उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो यहां पर बताना है। तो पहला ये कि इट्स अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो पहला लिखा गया है यहां पर स्टेटमेंट, तो ये गलत है आपका। और दूसरा लिखा गया है लघु व्यापारी जो है, हुज एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 करोड़ बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लरेशन, जो दूसरा लिखा गया है यहां पर स्टेटमेंट, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ओनली टू, ठीक है ना। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये, आप देख जाइएगा, ये सारी की सारी जितनी भी स्कीम है यहां पर दी गई, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें जो पीआरएन की बात है ना, पीआरएन की बात है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो किससे रिलेटेड होता है आपका, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका रिलेटेड है नेशनल पेंशन स्कीम से है, ये सबको पता होगा, बिल्कुल इजी है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, और इसके ये परमानेंट नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है आपका। पहला स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनाइज्ड जो इंटरप्राइजेस हैं जनरली डज नॉट हैव सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, तो क्यों नहीं है भैया, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही तो दिया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वही गलत हो गया। दूसरा ये कि जो अनऑर्गेनाइज्ड इंटरप्राइजेस होते हैं आर जनरली दोज विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कंपनसेशन एक्ट, तभी तो जो है उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। और जो इसका आंसर हो जाएगा वो करेक्ट पूछा था, इसलिए ओनली टू जो बी में दिया गया है वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है 1995 का, उसके संदर्भ में यहां पर दिया गया स्टेटमेंट, और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि जो आपका ये संविधान के अनुच्छेद 41-42 में डीपीएसपो के सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक कदम है, तो बिल्कुल अप्लाइड है ये आपका स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है आपका पहला जो स्टेटमेंट है। और जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है कि ये एनएसएपी जो है आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका एम क्या है, इंश्योर करना मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सोशल असिस्टेंस इन एडिशन टू द बेनिफिट दैट द स्टेट एंड यूटीज आर करेंटली प्रोवाइडिंग और माइट प्रोवाइड इन फ्यूचर। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसमें जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है, सोशल सिक्योरिटी के जो नोट्स हैं उसको आप देख जाइएगा, सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। तो बोथ इसका आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो है एक डेफिनेशन बताई जा रही है, और पूछा जा रहा है कि किसने ये डेफिनेशन दी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक प्रोग्राम ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी अगेंस्ट दीज कंटिंजेंसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिपेंडेंसी, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड इनवैलिडिज्म, अगेंस्ट विच द इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली बाय हिज ओन एबिलिटी और फोरसाइट। तो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड ही ये जो आपका पूरा का पूरा डेफिनेशन दिया गया है, और ये जो दिया था ये फ्राइड लैंडर ने दिया था, ठीक है ना। फ्राइड लैंडर ने ये इस तरीके से जो सोशल सिक्योरिटी उसको डिफाइन किया था, देख जाइएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज जो आपका पेंशन स्कीम है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट यहां पर। तो जो पहला स्टेटमेंट है यहां पर कि जो एज है इसमें एप्लीकेंट की, मेल और फीमेल की, इज 65 इयर्स और मोर, जो इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें एज जो है एप्लीकेंट की वो 60 इयर्स और मोर है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि ये पेंशन रिस्ट्रिक्टेड है, जो आपकी लिमिटेड है, टू ओनली वन पर्सन इन अ फैमिली, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका यहां पर गलत है, ठीक है।
तो ये जो है आपका रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक व्यक्ति के लिए परिवार में कि एक ही व्यक्ति को मिलेगा। ये बीपीएल परिवार की बात करें अगर उसमें तो 60 इयर्स की आयु वाले सभी व्यक्ति जो है इसमें वृद्धावस्था के अंतर्गत जो पेंशन प्रदान की जाती है उसको उसके लिए पात्र होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ऑनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया था क्योंकि यहां पर 60 इयर्स का बेल्ट था, ठीक है ना। अगर जल्दीबाजी में कोई चीज गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहां पर जो एज ऑफ एप्लीकेंट दिया गया था 65 इयर्स और मोर, तो वो भी गलत है क्योंकि 60 इयर्स और अबव की बात थी वहां पर। और दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बीपीएल परिवार के सभी सदस्यों को प्रोवाइड किया जा सकता है जो 60 साल से ऊपर की एज के हों। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग और इसमें पूछा गया था कि सही बताइए, तो नन ऑफ द अबव जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो प्रीमियम है वो कितना है, ठीक है ना। तो इसमें 330 रुपीज पर एनम की बात की गई है प्रीमियम के रूप में, बिल्कुल सिंपल है ये और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा करेक्ट है किसके रेफरेंस में, बायलैटरल सोशल एग्रीमेंट जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एग्रीमेंट है, ठीक है ना, मतलब बायलैटरल जो आपका सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उसके बारे में। तो पहला लिखा गया है यहां पर कि डिटैचमेंट इंटरनेशनल वर्कर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन द होस्ट कंट्री, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो इसमें टोटलाइजेशन की बात है समग्रता की, तो विदेशों में प्रदान की जाने वाली सेवा को लाभ के लिए गिना जाएगा, उसको भी काउंट किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बेनिफिट्स अवेल करने के लिए। पोर्टेबिलिटी जो है, बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड बाय मतलब इन अदर कंट्री, तो बिल्कुल ठीक है ये, इसी के अंतर्गत तो बायलेटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया जाता है, तभी तो दो पक्षों की बात की जा रही है। तो तीनों के तीनों जो प्रावधान दिए गए हैं वो उसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, तो इसका आंसर आपका क्योंकि सही बताना था तो ऑल ऑफ द अबव होगा जो कि डी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।